मत गाओ यार गाना, बंद करो यार इसको। अरे क्या है, संडे है यार। यार मेरे को दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है तेरे को? पता नहीं यार, मुझे बीपी की दिक्कत लग रही है। बीपी की दिक्कत है सुबह में? हाँ। तेरा बीपी बढ़ रहा होगा, तू अपनी मम्मी से बात कर ले, कर ले सही हो जाए। नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है। बीपी कम हो रहा है? हाँ। तो मेरी मम्मी से बात कर ले। गोली ला देता हूँ। बड़ा बुरा सपना देखा है मैंने। बड़ा बुरा सपना देखा है मैंने यार। क्या देख लिया? बड़ा बुरा सपना देखा है, तुझे किसी ने 5 करोड़ रुपए दिए, तूने मुझे बेच दिया। पागल हो गए हो क्या? कैसे कैसे सपने देखने लग गए हो? दिमाग खराब है क्या? कोई मुझे 5 लाख दे, मैं तब तुम्हारे पानी में जहर मिला दूं। भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। पता है हमारे घर में क्लेश क्यों बढ़ गया है? क्यों? क्योंकि हम ना लेट उठते हैं यार। नहीं, अब जब लेट सोएंगे तो लेट ही तो उठेंगे ना। अब कोई मोदी जी की तरह 4 घंटे की नींद पूरी करके तो काम नहीं कर सकते ना। मैं तो ऐसा करूंगी, मुझे तो पूरे दिन इतनी उदासी रहेगी, काम भी नहीं होगा मेरे से। और लेट कैसे हुए? पहले तो आरू को भेज देते ना स्कूल से भी उठ के, उसके बाद ही तो सोते। अरे हुआ तो लेट उठना ही ना। और मेरे ना दादाजी पता है क्या कहा करते थे? अगर किसी घर का नाश धीरे धीरे देखना हो ना, तो सूरज निकलने के बाद उठना शुरू कर दो, सब कुछ खत्म हो जाता। अरे यार क्या बोल रहे हो, पहले की लाइफ ना बिल्कुल अलग थी, ये सब पुरानी बातें हैं। अब कहाँ होता है ऐसे, तो पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो चुका है। अरे भाई होता है, मेरी मम्मी तो यहाँ तक कहती है कि जो लोग देर से उठते हैं ना, उनके घर में ना चुड़ैलों का साया होता है। तुम्हारे सर पे किसी ने कुछ मार दिया है क्या? सुबह से क्या बकवास बातें किए जा रहे हो तुम। और मुझे तो नींद में फील भी होता है यार, कि जैसे मेरे आसपास ना कोई कुछ मंडरा रहा है। कितने बजे? सुबह सुबह जब मैं उठने वाला होता हूँ ना, उस टाइम। लेकिन उस टाइम कैसे कोई आ सकता है हमारे रूम में? मैं तो उस टाइम झाड़ू लगा रही होती हूँ तुम्हारे आसपास। समझ रहे हो ना? बता दी, ज्यादा बोलना आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो। क्या बात, बड़ी खुश लग रहे हो, कोई जैकपॉट लग गया क्या? जैकपॉट नहीं लग गया, एक सवाल पूछूंगा बहुत दिनों बाद तुमसे। तो इसमें तो फिर तुम ही खुश होगे, मैं कहाँ खुश होगा? अरे जवाब देगी तो तू भी खुश होगी, पार्टी मिलेगी। पार्टी मिलेगी 100%। फिर लेकिन इजी क्वेश्चन पूछना, बहुत इजी है। 3 बिल्लियों को 3 चूहे मारने में 3 मिनट लगते हैं। 3 बिल्लियों को 3 चूहे मारने में 3 मिनट लगते हैं, तो बताओ 100 बिल्लियों को 100 चूहे मारने में कितने मिनट लगेंगे? राजेश खन्ना का भूत आ गया क्या तुम्हारे अंदर? लो बजट राजेश खन्ना। चलो मैं बताती हूँ, 100 बिल्लियों को 100 चूहे मारने में 3 बिल्लियों को 3 चूहे मारने में 3 मिनट लगे, तो 100 बिल्लियों को 100 चूहे मारने में 100 मिनट लगेंगे। बिल्कुल गलत जवाब। अब इसमें क्या गलत है? अच्छा 1 घंटा 40 मिनट लगेंगे। गलत। नहीं 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। गलत। 3 मिनट ही तो लगेंगे, मैं कह रहा हूँ 3 बिल्लियों को 3 चूहे मारने में 3 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब है कि 1 बिल्ली 1 चूहे को 3 मिनट में मार देती है, तो 100 बिल्लियां 100 चूहों को भी तो 3 मिनट में ही मारेंगी।